ये आसन किसी दल का नहीं होता है, ये आसन किसी पार्टी के बंधन से बंधा नहीं होता है, ये आसन से जुड़ा है एक अध्यक्ष के आदेश को निरस्त सरकार के दबाव में किया जाए, डायरेक्शन दे, आसन को कोई प्रभावित करे ये आसन का अपमान होगा, संवैधानिक संस्था और संवैधानिक पद पर बैठे लोगों का सम्मान करता हूँ। माननीय मुख्यमंत्री जी ने भी कहा कि आप इनसे पहले के भी अनुभव लेके बैठे हैं, अनुभव की किताब बाजार में नहीं मिलती है अध्यक्ष महोदय, अनुभव के जीते जागते मूर्ति के रूप में आप बैठे हैं। बिहार को जो अपराध और भ्रष्टाचार के वातावरण से कलंकित हुआ है उससे मुक्ति के लिए सदन में एक नया वातावरण बनाएं, क्योंकि आप डॉक्टर राजेंद्र बाबू की धरती से, सिवान की वो पवित्र माटी से आप बहुत सारे अनुभव को लेकर आए हैं, और सिवान की माटी के अनुभव को आप जरूर साकार करेंगे इस सदन के अंदर। बिहार की सांस्कृतिक विरासत जो ठहर गई उसको भी बढ़ाने में आपकी महती भूमिका होगी, क्योंकि बिहार की जनता, 13 करोड़ जनता आशा भरी निगाह से देख रही है कि जिस देश के राष्ट्रपति, प्रथम राष्ट्रपति राजेंद्र बाबू की धरती बिहार की गरिमा को देश के सर्वोच्च शिखर पर पहुंचाया था, उसके बाद श्री बाबू और राजेंद्र बाबू की जोड़ी बिहार की संस्कृति और विरासत को ही नहीं, बिहार के विकास को भी गति को पहुंचाया था, सामाजिक सद्भाव को बढ़ाया था। मां भारती के धरती पर जो भी जन्म लिया, किसी जाति, धर्म, क्षेत्र, भाषा का था, सबका सम्मान बढ़ाया, सबके मन के अंदर एक सकारात्मक ऊर्जा का वातावरण बनाया, वो भेद नहीं किया, वो चेहरा देखकर भेद नहीं किया, वो व्यक्ति के चेहरा देखकर नफरत नहीं किया, उन्होंने हमेशा, आज हमसे व्यक्तिगत नाराजगी हो सकती है, हमारा चेहरा पसंद नहीं हो सकता है, हमारे जैसे लोग, हमारे समाज को लोग स्वीकार नहीं कर सकते हैं, लेकिन इस बिहार की धरती के, बिहार के माटी से जो भी जन्म लिया है उसका सम्मान बढ़ाने की जिम्मेवारी इस आसन, लोकतंत्र के इस पवित्र मंदिर में बैठे हुए जनता के विश्वास को जीत कर आने वाले सभी माननीय विधायकों का आप पर विश्वास व्यक्त किया है। ये आसन किसी दल का नहीं होता है, ये आसन किसी पार्टी के बंधन से बंधा नहीं होता है, ये आसन किसी विकारों से ग्रसित नहीं होता है। हमने प्रयास किया था कि ये आसन की पवित्रता बरकरार रहे, ये आसन निरपेक्ष भाव से काम करता रहे और हमारे विधानसभा उत्कृष्ट विधानसभा के रूप में, उत्कृष्ट विधायक के रूप में देश में जाना जाए, ये माहौल बनाना है। हमने उत्कृष्ट विधानसभा, उत्कृष्ट विधायक का जो श्री गणेश किया है आप आगे बढ़ाएंगे, मुझे उम्मीद है, हमें उम्मीद है अध्यक्ष महोदय कि जो विधायिका की गरमागिरी है, विधायक पर चोट होता है, कई विधायक आके बिलबिला के कहते थे कि प्रशासनिक अराजकता के कारण हमारी सम्मान घटता है। माननीय सदस्यों से आग्रह मैं करता हूं कि शांति बनाए रखें, और माननीय नेता, माननीय महोदय, माननीय विधायक, प्रतिपक्ष को, प्रतिपक्ष की बात, सदस्यों को, मैं तो सदन की बात, आपके आसन की और गरिमा की बात कर रहा है, विधायिका की गरिमा बढ़े। अध्यक्ष महोदय, आपने देखा है जिस आसन पर आप बैठे हैं आपके आसन का महत्व बढ़े। आज जब विधानसभा अध्यक्ष के नाते अगर जो कार्यसूची हमने तय किया और उस कार्यसूची में परिवर्तन किया गया, ये आसन का अपमान हुआ है। कार्यसूची जो तय की गई, कार्यसूची में परिवर्तन किया गया, उसको भी हमने स्वीकार कर लिया आसन की गरिमा को रखते हुए, लेकिन कार्यसूची में जो उपस्थापित करने का था प्रतिवेदन को, उपस्थापित क्यों नहीं किया गया, वो उपस्थापित होना चाहिए। हमें गर्व है बिहार के माननीय मुख्यमंत्री जी,
भ्रष्टाचार में जीरो टॉलरेंस की बात करते हैं। विशेष समिति में नेता भ्रष्टाचार भ्रष्टाचार का आरोप लगा है, प्रतिवेदन को उपस्थापित होना चाहिए है। हम उसी में जो आसन से जुड़ा है अध्यक्ष महोदय, आपकी बात का भेदना करे, आपका अपमान करे। नहीं नहीं नहीं, मैं कहना चाहता हूँ कि जो आज अध्यक्ष के चुनाव और उस पर आप लोगों के जो मतलब भावना है उसको व्यक्त करने के लिए कार्य सूची में मात्र यही है, इसलिए आउट ऑफ सब्जेक्ट ना जाया जाए, ये मैं आपसे कहना चाहता हूँ। अध्यक्ष महोदय, ये आपके आसन से जुड़ा है, ये आसन से जुड़ा है। एक अध्यक्ष के आदेश को निरस्त सरकार के दबाव में किया जाए, एक आसन को नीचे से अगर जो कोई डायरेक्शन दे, आसन को कोई प्रभावित करे, ये आसन का अपमान होगा। आसन कभी प्रभावित होने वाला नहीं है। चलिए, मुझे खुशी है, सदन नियम खुशी है तहत चलेगी, कार्य सूची में जो है उसके मुताबिक ही कार्यवाही आज हो रही है। और कल की कार्य सूची में, कल की कार्य सूची में चौथे नंबर पर प्रतिवेदन था, उसको भी आप उपस्थापित करें, आसन की निरपेक्षता को दिखाएं। और अध्यक्ष महोदय, मैं तो संवैधानिक संस्था और संवैधानिक पद पर बैठे लोगों का सम्मान करता हूं, मैं अंगली नहीं उठाता। मैं आज हमने कहा, हम भी तो अध्यक्ष के चुनाए थे, लेकिन लोग जानते थे कि बहुमत नहीं है, उसके बाद भी लोगों ने चुनाव कराया, हमने सर्वसम्मति कराया। आप आसन करा। और अध्यक्ष महोदय, आपसे यही आग्रह करेंगे, मुझे पूर्ण विश्वास है, माननीय मुख्यमंत्री जी ने भी कहा कि आप इनसे पहले के भी अनुभव लेकर बैठे हैं, और एक इतने बड़े अनुभव कि किताब बाजार में नहीं मिलती है, अनुभव की किताब बाजार में नहीं मिलती है। अध्यक्ष महोदय, अनुभव के जीते जागते मूर्ति के रूप में आप बैठे हैं, अपने अनुभव से बिहार की गरिमा को बढ़े, बिहार को जो अपराध और भ्रष्टाचार के वातावरण से कलंकित हुआ है, उससे मुक्ति के लिए सदन में एक नया वातावरण बनाएं और उस प्रतिवेदन को उपस्थापित करें। माननीय, यही आग्रह है आपसे। माननीय नेता प्रतिपक्ष, आप एक मर्यादित जगह के हैं, आपके बहुत जबरदस्त महत्व है, इसलिए सदन के कार्यवाही को चलाने में सकारात्मक भूमिका आपकी होनी चाहिए, ना कि नकारात्मक। अध्यक्ष महोदय, आप स्थान ग्रहण करें। अध्यक्ष महोदय, आपके आदेश का आप बहुत बहुत धन्यवाद आपको, बहुत धन्यवाद आपको, इनको बोला। शांति शांति, भाई वीरेंद्र जी स्थान ग्रहण करें। अब मैं माननीय उप मुख्यमंत्री जी से आग्रह करूंगा कि आप अपने संबोधन से सदन को एक रास्ता और एक अच्छे संदेश बिहार को देने का काम करें, माननीय उप मुख्यमंत्री जी।